गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट कक्षा में हमने आपको हाइपोथैलेमस ग्रंथि पर आपसे चर्चा की और आपको बताया कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं या हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। आपको बताया कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है वो मस्तिष्क, मानव के अग्र मस्तिष्क में क्या है, पाई जाती है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का जो डायनसिफेलम है, हाइपोथैलेमस जो होती है वो अग्र मस्तिष्क का जो डायनसिफेलम भाग होता है उसकी गुहा की फर्श का क्या करती है, निर्माण करती है, जिसमें धूसर रंग का द्रव पदार्थ भरा हुआ होता है। इसे धूसर द्रव क्षेत्र कहा जाता है या इसे थैलेमिक केंद्रक भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि इन्फेंडिबुलम व्रंथ द्वारा, पीयूष ग्रंथि इन्फेंडिबुलम व्रंथ द्वारा हाइपोथैलेमस से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। आपको मैंने बताया कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा, ठीक है, दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला मैंने आपको बताया मोचक हार्मोन या मोचन हार्मोन और दूसरा होता है निरोधी हार्मोन। मोचक हार्मोन किसे कहते हैं, अर्थात ऐसे हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोनों की क्रियाशीलता और उनके नियमन को क्या करता है, प्रेरित करता है, उन्हें मोचन हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन कहता है। जैसे जीएच आरएच हार्मोन टीआरएच हार्मोन पीआरएच हार्मोन, ठीक है, ये सारे सीआरएच हार्मोन, ये सारे हार्मोन मोचक हार्मोन होते हैं। निरोधी हार्मोन ऐसे हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न होने वाले हार्मोनों की क्रियाशीलता और उनके नियमन को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, संदमित कर देते हैं, रोक देते हैं, उसे हम निरोधी हार्मोन कहते हैं। निरोधी हार्मोन मैंने बताया जीएचआईएच का पूरा नाम है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन या एमएसएचआईएच हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन के नाम से उसे जाना जाता है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा एक बात और रह गई आपको मैं बता देता हूं। आपको बताया कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि से लगभग 10 प्रकार के न्यूरो हार्मोन स्रावित होते हैं, जिनमें मैंने आपको बताया जीएचआईएच हार्मोन जीएचआरएच हार्मोन टीआरएच हार्मोन पीआरएच हार्मोन एमएसएच आरएच हार्मोन, ठीक है, सीआरएच के बाद आता है एलएचआरएच हार्मोन, ठीक है, एमएसएचआईएच हार्मोन और एफएसएचआरएच हार्मोन। आज जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो पीयूष ग्रंथि पर बात करेंगे, पीयूष ग्रंथि की संरचना पर आप किससे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में, ठीक है। देखिए पीयूष ग्रंथि का जो उद्भव होता है, पीयूष ग्रंथि की जो उत्पत्ति होती है वो भ्रूणी अवस्था में एक्टोडर्म की कोशिकाओं से होती है। पीयूष ग्रंथि की उत्पत्ति किससे होती है, भ्रूणी अवस्था में किससे होती है, एक्टोडर्म की कोशिकाओं से होती है। आज हम पीयूष ग्रंथि पर बात कर रहे हैं, एक बार ये पूर्ण कर रहे हैं हम फॉर्मेलिटीज, सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 12 लेसन नंबर हमारा है 29, नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, मानव में रासायनिक समन्वय इन ह्यूमन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीयूष ग्रंथि, पेट यूटिटरी ग्लैंड टी ए आर वाई जी एल एन डी। पीयूष ग्रंथि
मैंने आपको बताया कि पीयूष ग्रंथि की उत्पत्ति कैसे होता है, ओरिजिन ऑफ पीयूष ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर में पीयूष ग्रंथि की उत्पत्ति के बारे में मैंने बताया कि मानव में पीयूष ग्रंथि की उत्पत्ति कब होती है, जब मनुष्य भ्रूणी अवस्था में होता है। तो भ्रूणी अवस्था में एक्टोडर्म की कोशिका होती है। कौन सी कोशिकाएं होती है? एक्टोडर्म की कोशिकाएं होती है। भाई निषेचन की क्रिया होगी, निषेचन के बाद विभेदन की क्रिया होगी, फिर ब्लास्टुला होगा, फिर गैस्टुला होगा। गैस्टुलेशन की क्रिया के दौरान भ्रूण के अंदर तीन जनन स्तरों का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और इसी एक्टोडर्म की, भ्रूण की एक्टोडर्म की कोशिकाओं से ही पीयूष ग्रंथि की क्या होती है? उत्पत्ति होती है, उद्भव होता है। तो पीयूष ग्रंथि का उद्भव भ्रूणीय अवस्था में एक्टोडर्म की कोशिकाओं से होता है। किससे होता है? एक्टोडर्म की कोशिकाओं से होता है। ये बात सुनना आगे। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां पे दूसरे बिंदु पर कि पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है। ठीक है, देखिए पीयूष ग्रंथि का जो आकार होता है वो मटर के दाने के समान होता है। इस तरीके से मटर के दाने के समान जो संरचना होती है वो पीयूष ग्रंथि की होती है। किसकी होती है? पीयूष ग्रंथि की संरचना इस प्रकार की आपको दिखाई दी है। तो मटर के दाने के समान पीयूष ग्रंथि का आकार होता है। और आपको बता दें मटर के दाने के समान पीयूष ग्रंथि का आकार होता है। ये पीयूष ग्रंथि जो होती है वो गुलाबी रंग की होती है। कैसी होती है? गुलाबी रंग की होती है। ये तो हो गया पीयूष ग्रंथि का आकार। तो पीयूष ग्रंथि का आकार आपसे पूछा जाए तो मटर के दाने के समान होती है और गुलाबी रंग की होती है, जो एक व्रंत द्वारा, ये व्रंत है और व्रंत द्वारा हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी हुई होती है? हाइपोथैलेमस से क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। देखिए पीयूष ग्रंथि का आकार के बाद हम बात कर रहे हैं साइज के बारे में, साइज ऑफ पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए पीयूष ग्रंथि का जो व्यास होता है वो लगभग कितना होता है? 1.3 सेंटीमीटर होता है। पीयूष ग्रंथि का व्यास 1.3 सेंटीमीटर होता है। और आपसे पूछा जाए कि पीयूष ग्रंथि का वजन या भार कितना होता है, तो पीयूष ग्रंथि का जो वेट होता है, वजन होता है, वो लगभग 0.5 ग्राम होता है। कितना होता है? 0.5 ग्राम पीयूष ग्रंथि का क्या होता है? वजन होता है। ये बातें समझ आ गई। हमने यहां पर तीन बातें की है कि पीयूष ग्रंथि की उत्पत्ति मानव के शरीर में कैसे होती है, तो मैंने बताया कि पीयूष ग्रंथि का उद्भव भ्रूणी अवस्था में एक्टोडर्म की कोशिकाओं से होता है। ठीक है, दूसरा मैंने बताया पीयूष ग्रंथि का आकार, पीयूष ग्रंथि का आकार मटर के दाने के समान होता है। ये ग्रंथि गुलाबी रंग की होती है जो एक व्रंत के द्वारा, ये इन्फेंडिबुलम व्रंत होता है, और इस व्रंत के द्वारा हाइपोथैलेमस से क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। देखिए उसके बाद हमने आपसे साइज के बारे में बात की और आपको बताया पीयूष ग्रंथि का आकार या पीयूष ग्रंथि का व्यास 1.3 सेंटीमीटर होता है। पीयूष ग्रंथि का जो वजन होता है वो 0.5 ग्राम होता है। ये बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि भाई पीयूष ग्रंथि जो होती है उसका आकार जो होता है वो स्त्रियों में वो बड़ा होता है, मादाओं में बड़ा होता है, पुरुषों में कैसा होता है? छोटा होता है। पीयूष ग्रंथि का जो आकार होता है मादाओं में, महिलाओं में, स्त्रियों में, वो कैसा होता है? बड़ा होता है। तथा पुरुषों में पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। या हम सीधे शब्दों में कहें तो पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मादाओं में नर की तुलना में कैसी होती है? बड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि मादाओं में नर की तुलना में कैसी होती है? बड़ी होती है। एक सवाल कई बार एग्जाम में पीयूष पूछ लिया जाता है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? Why does pituitary gland is known as a master gland?
ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि मानव के शरीर में जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, मैंने आपको बताया, चाहे जनन ग्रंथि हो, चाहे एड्रिनल ग्रंथि हो, चाहे अग्नाशय ग्रंथि हो, चाहे थाइमस ग्रंथि हो, चाहे थायराइड या पैराथायराइड ग्रंथि हो, चाहे पीनियल ग्रंथि हो, चाहे हाइपोथैलेमस, ये सभी ग्रंथियों पर ये क्या करती है? नियंत्रण करने का कार्य करती है। इसलिए हम सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर कंट्रोल अर्थात नियंत्रण रखने का क्या करती है? कार्य करती है। ये हमने अभी आपसे बात किया है पीयूष ग्रंथि से संबंधित सामान्य जानकारियां जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि पीयूष ग्रंथि की स्थिति कहाँ होती है, पीयूष ग्रंथि पाई कहाँ जाती है मानव के शरीर में। तो पीयूष ग्रंथि होते हैं वो मानव के अग्र मस्तिष्क में ही पाई जाती है, जैसे हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है, इसी तरीके से पीयूष ग्रंथि भी मानव के मस्तिष्क जो होता है उसके तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। पीयूष ग्रंथि भी मानव के अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। और कहां पर पाई जाती है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब हाइपोथैलेमस पर आपसे चर्चा की थी। फिलहाल आप देखिए पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मानव का एक कपाल होता है, कपाल में एक अस्थि होती है जिसको स्पिनोइड अस्थि के नाम से जानते हैं। कौन सी अस्थि के नाम से जानते हैं? स्पिनोइड अस्थि के नाम से जाना जाता है। और स्पिनोइड अस्थि जो होती है उसके अंदर एक गर्त पाया जाता है, एक छिछला गर्त पाया जाता है, और उस छिछला गर्त का नाम है टर्सेला टर्सिका। उसी छिछले गर्त के अंदर, उस गर्त का नाम क्या बताया था? सेला टर्सिका। उस सेला टर्सिका में ही पीयूष ग्रंथि क्या होती है? स्थित होती है या पाई जाती है। हम क्या कह सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मानव के कपाल में स्पिनोइड अस्थि के छिछले गर्त, ठीक है, स्पिनोइड अस्थि के छिछले गर्त सेला टर्सिका में स्थित होती है या पाई जाती है। तो पोजीशन आपको पता लग गया है, लोकेशन पता लग गया है कि पीयूष ग्रंथि की लोकेशन क्या होती है। तो पीयूष ग्रंथि की लोकेशन आपको पता लग गया है कि हमारा मानव का एक कपाल होता है, उसमें स्पिनोइड अस्थि होती है, स्पिनोइड अस्थि का जो छिछला भाग होगा उसमें छिछला गर्त होता है जिसको सेला टर्सिका कहते हैं, सेला टर्सिका में ही ये पीयूष ग्रंथि क्या होती है? स्थित होती है। क्लियर बात है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि की संरचना। देखिए पीयूष ग्रंथि की संरचना पर आपसे बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि की संरचना। देखिए पीयूष ग्रंथि की जो संरचना होती है अभी आपने देखा है, यहां पर मैंने अभी आपको एक इस तरीके का डायग्राम बनाया था, आपने देखा भी था यहां पर, ठीक है। पीयूष ग्रंथि जो होती है उसमें क्या होता है? इस तरीके का क्या पाया जाता है? ये संरचना पाई जाती है। और पीयूष ग्रंथि के अंदर की संरचना आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है? पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली कहलाती है, ये पश्चपाली है, और ये पीयूष ग्रंथि की कौन सी पाली है? अग्रपाली है। पश्चपाली को बोलते हैं पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब के नाम से जानते हैं, या पश्चपाली का दूसरा नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। और दूसरी है अग्रपाली, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एंटीरियर लोब, या इसे अग्रपाली न बोल रहे तो इसे बोलते हैं
एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, और ये होती है न्यूरो हाइपोफाइसिस, यानी कि मानव के शरीर में जो पीयूष ग्रंथि पाई जाती है वो अग्रपाली और पश्चपाली से मिलकर के क्या है, ये अग्रपाली है, ये पश्चपाली है, अग्रपाली और पश्चपाली दोनों जब मिली हुई होती है तो दोनों के मिलने से पीयूष ग्रंथि का क्या होता है, निर्माण होता है। तो पीयूष ग्रंथि अग्रपाली और पश्चपाली से मिलकर के क्या होती है, बनी हुई होती है, ठीक है। देखिए हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इस अग्रपाली की संरचना के बारे में, ठीक है। देखिए अग्रपाली जो होती है, मैं आपको बता दूं अग्रपाली का विकास किससे होता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली है जिसे हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, तो अग्रपाली जो होती है इसका विकास कैसे होता है, इस अग्रपाली का विकास भ्रूणीय अवस्था में जो ग्रसनी क्षेत्र होता है उस ग्रसनी क्षेत्र के एक्टोडर्म में क्या होता है, बहिर्वृद्धि होती है, और उस बहिर्वृद्धि के रूप में किसका निर्माण होता है, अग्रपाली का निर्माण होता है। तो अग्रपाली का निर्माण कैसे होता है, अग्रपाली का जो विकास होता है वो किस प्रकार से होता है, तो अग्रपाली का विकास भ्रूण जो होता है उसका ग्रसनीय क्षेत्र होता है, भ्रूण के ग्रसनीय क्षेत्र में एक्टोडर्म की बहिर्वृद्धि के रूप में होता है। अग्रपाली का विकास भ्रूण के ग्रसनीय क्षेत्र में एक्टोडर्मल की बहिर्वृद्धि से अग्रपाली का या एडिनो हाइपोफाइसिस का निर्माण होता है, ठीक है। आपको बता दूं यह पीयूष ग्रंथि का, ठीक है, यह पीयूष ग्रंथि का लगभग 75% भाग का निर्माण, अग्रपाली का 75, पीयूष ग्रंथि का लगभग अग्रपाली कितना परसेंट भाग का निर्माण करती है, 75% करती है। इसका मतलब पश्चपाली जो होती है वो पीयूष ग्रंथि का लगभग कितना परसेंट भाग का निर्माण करती है, 25% भाग का क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है। आपको मैं बता दूं ये एडिनो हाइपोफाइसिस की जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, ग्रंथिल एपिथेलियम की कोशिकाओं से क्या होता है, बना होता है, किससे बनी होती है, ग्रंथिल एपिथेलियम। अग्रपाली की जो कोशिकाएं होती हैं या अग्रपाली जो होती है वो ग्रंथिल एपिथेलियम की कोशिकाओं से, एपिथेलियम की कोशिकाओं से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। बात समझ में आ गई होगी, मैंने भी आपको बताया कि पीयूष ग्रंथि जो होती है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि की संरचना पर मैंने आपको बात की और बताया पीयूष ग्रंथि की संरचना दो पालियों से अग्रपाली और पश्चपाली के मिलने से बनती है। अग्रपाली को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, पश्चपाली को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। अग्रपाली जो होती है ये ग्रंथिर उपकला कोशिकाओं से बनी होती है, ठीक है, ये पीयूष ग्रंथि का लगभग 75% भाग का निर्माण करती है, और इसका विकास कैसे होता है, इसका विकास जो होता है वो भ्रूण का ग्रसनीय क्षेत्र में एक्टोडर्मल की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें बहिर्वृद्धि के रूप में होता है, या एक्टोडर्मल में बहिर्वृद्धि के रूप में होता है। यह हो गया हमारा अग्रपाली के बारे में सामान्य जानकारी। अब हम बात करते हैं कि ये पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली होती है उसके तीन भाग होते हैं, पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली के तीन भाग होते हैं, तीन भाग कौन से हैं मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली के कितने भाग है, ये वाला जो भाग कहलाएगा इसको बोलते हैं पार्स ट्यूबरोसम, ट्यूब्रोसम के नाम से जाना जाता है। देखो इंग्लिश में हमने लिखा पार्स ट्यूब्रोसम, हिंदी में भी हम इसको लिख रहे हैं पार्स ट्यूब्रोसम के नाम से क्या है, जाना जाता है, ये पार्स ट्यूब्रोसम होता है। ये वाला जो भाग कहलाएगा ये कहलाएगा पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया इंग्लिश में भी लिख रहे हैं हम पार्स इंटरमीडिया, MEDIA, ठीक है। और ये वाला सबसे निचला भाग है इसको बोला जाता है पार्स डिस्टेलिस,
पार्स डिस्टिलिस के नाम से इसे जाना जाता है। तो आपको पता लग गया कि पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली के कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, पार्स ट्यूबरोसम नंबर एक पार्ट हो गया, नंबर दो पार्स इंटरमीडिया और नंबर तीन हो गया पार्स डिस्टिलिस। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्स ट्यूबरोसम, ठीक है। देखिए यह जो होता है ये वाला भाग, इसको बोलते हैं इन्फेंडिबुलम फ्रंट, ठीक है। पार्स ट्यूबरोसम जो होता है ये पार्स ट्यूबरोसम वाला भाग होता है, और ये पार्स ट्यूबरोसम जो वाला भाग होता है वो इन्फेंडिबुलम फ्रंट होता है। ये वाला कौन सा भाग है, इन्फेंडिबुलम फ्रंट होता है, और इन्फेंडिबुलम फ्रंट के चारों ओर एक कॉलर के रूप में, चारों ओर किसके रूप में, कॉलर के रूप में स्थित होता है। किस रूप में स्थित होता है, चारों ओर एक कॉलर के रूप में क्या होता है, ये व्यवस्थित होता है। पार्स ट्यूबरोसम जो होता है, ठीक है, पार्स ट्यूबरोसम जो होता है वो इन्फेंडिबुलम व्रंत के चारों ओर, ये इन्फेंडिबुलम व्रंत है, और इस इन्फेंडिबुलम व्रंत के चारों ओर, ठीक है, कॉलर के रूप में क्या होता है, पाया जाता है या स्थित होता है या व्यवस्थित होता है, ठीक है। इसके द्वारा, इस पार्स ट्यूबरोसम के द्वारा हार्मोन स्रावित नहीं होते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं पार्स ट्यूबरोसम कैन नॉट रिलीज द हार्मोन्स, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं, पार्स ट्यूबरोसम का ये भाग होता है वो मनुष्य में ये भाग बिल्कुल ही कैसा होता है, स्पष्ट नहीं होता, अर्थात ये कैसा होता है, अस्पष्ट होता, अनक्लियर होता। तो मनुष्य में पार्स ट्यूबरोसम जो होता है वो अस्पष्ट होता है। देखिए पार्स इन ट्यूबरोसम के नीचे क्या पाया जाता है, पार्स इंटरमीडिया पाया जाता है। अब पार्स इंटरमीडिया कहां पर पाया जाता है, ये पाली है पश्च पाली, ये अग्र पाली, दोनों पालियों के ये मध्य में जो जगह है, ये जो वाला भाग होता है, दोनों पालियों का जो मध्य वाला भाग होता है वो किसका निर्माण करता है, पार्स इंटरमीडिया का निर्माण, अर्थात पार्स इंटरमीडिया वाला जो भाग होता है ये दोनों पालियों के मध्य में होता है, ठीक है। दोनों पाली कौन सी है, पश्च पाली और अग्र पाली, इन दोनों पालियों के मध्य में कौन सा भाग स्थित होता है, पार्स इंटरमीडिया वाला भाग होता है। और इस पार्स इंटरमीडिया के द्वारा एक हार्मोन का क्या होता है, श्रावण होता है, और इस एक हार्मोन का नाम है MSH हार्मोन, मेलेनोसाइट। MSH का पूरा नाम है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का निर्माण किसके द्वारा होता है, पार्स इंटरमीडिया के द्वारा होता है। पार्स इंटरमीडिया कहां पर स्थित होता है, तो आप कहेंगे कि यह दोनों पालियों के मध्य में क्या होता है, स्थित होता है। सबसे अंत में देखिए पार्स इंटरमीडिया के नीचे क्या पाई जाती है, पार्स डिस्टिलिस पाया जाता है। ये पीयूष ग्रंथि का सबसे अंतिम भाग होता है, या पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली का सबसे अंतिम भाग और निचला भाग होता है। पीयूष ग्रंथि का अंतिम भाग और कैसा भाग होता है, सबसे निचला वाला क्या होता है, भाग होता है, ठीक है। और आपको बता दूं ये पीयूष ग्रंथि का सबसे बड़ा भाग होता है, या पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली का सबसे कैसा भाग होता है, बड़ा भाग होता है। और इस पार्स डिस्टिलिस के द्वारा छह प्रकार के हार्मोन क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। कितने प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, छह प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। छह प्रकार के हार्मोन मैं बता रहा हूं, नंबर एक STH हार्मोन, या इसका दूसरा नाम भी हम बोल सकते हैं GH हार्मोन। GH का पूरा नाम है ग्रोथ हार्मोन, या हिंदी में बोले तो वृद्धि हार्मोन। STH का पूरा नाम है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, S का अर्थ होता है सोमेटो, टी का अर्थ होता है ट्रॉपिक, एच का अर्थ होता है हार्मोन, सोमेटो ट्रॉपिक हार्मोन। दूसरा है TSH हार्मोन, ठीक है, जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सा हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तीसरा है FSH हार्मोन, F का अर्थ होता है फॉलिकल, S का अर्थ होता है स्टिमुलेटिंग, H का अर्थ होता है हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
चौथे का नाम है LH हार्मोन, जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या नाम से जानते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। पांचवे का नाम है PLH हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, P4 प्रो L4 लैक्टिन H4 हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और लास्ट है छठा ACTH हार्मोन, एडिनो A4 एडिनो, C4 काइटिको, T4 ट्रॉपिक, H4 हार्मोन। एडिनो काइटिको ट्रॉपिक हार्मोन, एडिनो काइटिको ट्रॉपिक हार्मोन। तो ये पास विस्तृत वाले भाग से छह प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, STH, GH, TSH, FSH, LH, PLH और ACH। एक बार मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पास ट्यूबलेशन के यानी कि अग्र पानी के भागों को, पास ट्यूबरोसम जो होता है, यह भाग जो होता है वो इनफेंडिबुलम के चारों ओर एक कॉलर के रूप में क्या होता है, स्थित होता है। इसके द्वारा हार्मोन स्रावित नहीं होते हैं और यह भाग मनुष्य में अस्पष्ट होता है। पास इंटरमीडिया में मैंने आपको बताया है कि ये कहां पर पाया जाता है, ये दोनों पालियों के मध्य में स्थित होता है। इसके द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम होता है MSH हार्मोन। पास इंटरमीडिया के नीचे तीसरा प्रकार का हार्मोन यानी कि तीसरा भाग होता है अग्रपाली का, जिसका नाम है पास डिस्टिलिस। पास डिस्टिलिस जो होता है वो अग्रपाली का अंतिम भाग होता है, निचला भाग होता है। इसके द्वारा छह प्रकार के हार्मोन क्या होते हैं, स्रावित होते हैं, और उनके नाम मैंने बता दिया, STS, PSH, FSH, LH, PLH और ACTH हार्मोन। इनके पूरे नाम याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में इनके पूरे नाम आपसे क्या है, पूछ लिया जाता है। देखिए अब बात करते हैं ये पश्चपालिक के बारे में। ये वाली जो संरचना है, ये वाली जो आपको दिखाई गई है, ये संरचना कहलाती है पश्चपालिक, ठीक है, जिसको पोस्टीरियर लोब या न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। देखो पश्चपाली जो होती है वो पीयूष ग्रंथि का लगभग 25% भाग का निर्माण करती है। कितने परसेंट भाग का? पश्चपाली जो होती है वो पीयूष ग्रंथि का 25% भाग का निर्माण करती है, मैं पहले बता चुका हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो पश्चपाली होती है, ठीक है, इसका विकास किसके द्वारा होता है? इन्फेंडिबुलम के द्वारा होता है, ठीक है। पश्चपालिक का विकास इन्फेंडिबुलम से होता है या इन्फेंडिबुलम के द्वारा होता है, ठीक है। और यह भाग कैसा होता है? सफेद रंग का होता है। यह भाग कैसा होता है? सफेद रंग का। और कैसा होता है? उभरा हुआ होता है, ठीक है। सफेद होता है और कैसा होता है? उभरा हुआ होता है। देखिए बात करते हैं पश्चपालिक के भाग, ठीक है। देखिए पश्चपालिक के कौन कौन से भाग होता है, मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। देखो बेटा पश्चपालिक के कौन कौन से भाग होते हैं? पश्चपालिक के तीन भाग होते हैं। पहला है पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा के नाम से इन्हें जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पार्स नर्वोसा के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो पोर्शन कहलाएगा, इसे मैंने लिखा है मीडिया इंटरनमा। क्या बोलता है? मीडिया, ठीक है, या मिडिल इमिनेंस के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये कहलाएगा पीयूष व्रंथ। क्या कहलाएगा? पीयूष व्रंथ के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले मैं इस वाले भाग की बात कर रहा हूं, इस वाले भाग की, जिसको क्या नाम से जानते हैं? पार्स नर्वोसा के नाम से क्या है, जाना जाता है। देखिए ये इन्फेंडिबुलम जो व्रंथ होता है, इन्फेंडिबुलम व्रंथ का जो छोर होता है उस पर स्थित होता है। पार्स नर्वोसा जो होता है वो इन्फेंडिबुलम व्रंथ का ये छोर है, ये इन्फेंडिबुलम व्रंथ के छोर पर क्या होता है, ये स्थित होता है, ठीक है। पार्स नर्वोसा जो होता है वो इन्फेंडिबुलम व्रंथ के छोर पर क्या होता है, स्थित होता है। ये फूला हुआ भाग होता है, और ये भाग कैसा होता है? बड़ा भी होता है, फूला हुआ भी होता है और कैसा होता है? बड़ा होता है। यह पश्चपालिक के हार्मोनों को, पश्चपालिक के जितने भी हार्मोन बनते हैं पश्चपालिक के द्वारा, उन सभी हार्मोनों का ये क्या करता है? संग्रह करता है।
इट कलेक्ट द ऑल हार्मोन्स विच इज फॉर्म्ड या विच इज सिंथेसाइज बाय द न्यूरोहाइपोफाइसिस, यानी कि पश्य पाली के द्वारा जितने भी हार्मोन बनते हैं उन सभी का संग्रहण जो किया जाता है वो पार्श्व नर्वोसा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए ये हाइपोथैलेमस का जो तल होगा, ये हाइपोथैलेमस का तल होगा, इस तल पर क्या पाया जाता है, मध्य इमिनेंस पाया जाता है। पार्श्व, ध्यान से सुनना है भैया, हाइपोथैलेमस का जो तल होता है, ये हाइपोथैलेमस का तल होता है और उस तल पर क्या पाया जाता है, मध्य इमिनेंस वाला भाग पाया जाता है। और ये क्या है, इसके नीचे पश्च पीयूष व्रंथ पाया जाता है, यह मध्य जो उभार होता है, ठीक है, उस मध्य उभार के नीचे की ओर स्थित वाला भाग होता है मध्य उभार। ये मध्य उभार है, आपको देखा मध्य उभार का नीचे का जो भाग होता है उसे पीयूष व्रंथ कहा जाता है। ठीक है, आपको बता दूं पश्च पाली के द्वारा दो प्रकार के हार्मोनों का श्रावण होता है, पश्च पाली के द्वारा दो प्रकार के हार्मोनों का श्रावण होता है। नंबर एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन, नंबर एक कौन सा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और नंबर दो वैसोप्रेसिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हार्मोन जो होते हैं वो पश्च पाली के द्वारा क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। इसी के साथ पीयूष ग्रंथि की संरचना समाप्त हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों के बारे में हम आपसे बात करेंगे, उनकी यदि उन हार्मोनों की मात्रा अधिक हो जाए या कम हो जाए तो मानव के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है, उनसे कौन से रोग मनुष्य के शरीर में होते हैं, उन सभी बिंदुओं पर आपसे हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।